हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक MI ब्रांड का 4X मॉडल का सेट है और इसमें जो मॉडल है मेरे दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वही स्क्रॉल डाउन वर्क नहीं कर रहे हैं और इसमें किसी प्रकार को भी वॉलपेपर नहीं लगा पा रहे हैं इस सेट में, जो कि दोस्तों इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो कि दोस्तों आपको सेटिंग में जाकर के डाटा ऑन करना पड़ रहा है। ऊपर से जो कि दोस्तों स्क्रॉल डाउन वर्क नहीं कर रहे हैं और कोई सा भी जो कि है दोस्तों इसमें वॉलपेपर जो कि है नहीं लग पा रहा है, यानी कि ब्लैक स्क्रीन होकर के जो कि दोस्तों रह जा रहा है। आप देख सकते हैं फ़ोटो खींच के लगाओ या तो फिर कंपनी लगाओ, कोई भी वर्क नहीं करते हैं और जो कि स्क्रॉल डाउन भी वर्क नहीं करते हैं। इसका जो कि जो टच एकदम परफेक्ट सही है, ऊपर नीचे किसी भी साइड में काम करो तो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन फिर भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कि है आपका स्क्रॉल डाउन में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आपके पास भी आते हैं दोस्तों तो आपको इसको जो कि दोस्तों फ्लैश करना, तो इसका जो फाइल है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को जो कि दोस्तों स्विच ऑफ कर देना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो पावर ऑफ कर दिया दोस्तों और मैं चलता हूँ अपना PC में। और ये जो फाइल है दोस्तों इस फाइल का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो कि दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ से जो कि दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको इसको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो कि दोस्तों इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद आपको एक और फाइल डाउनलोड करना है दोस्तों जिसका नाम है क्यूफिल टूल। तो मैं जो कि दोस्तों क्यूफिल टूल को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हूँ, अगर आपका इंस्टॉल ना रहे तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो कि दोस्तों आपको ब्राउज पर क्लिक करके आपका जो प्रोग्राम फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लोड XTML पर दे करके पैच को भी ले लेना है। उसके बाद आपको जो कि दोस्तों आपका जो दिस PC है उसमें राइट क्लिक करके आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। तो मैं जो कि दोस्तों यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को ओपन कर ले रहा हूँ ताकि मेरा जो पोर्ट है दोस्तों वह ले रहा है या नहीं मुझे दिखाई दे। यहाँ पर जो कि दोस्तों डाटा लगा केबल जो कि दोस्तों लगाते वक्त आपको दो पॉइंट को यहाँ पर शॉर्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं जो कि दोस्तों यहाँ पर सीधा वायर लगा दिया हूँ दोनों साइड पर, और लगाने के बाद वायर को कट कर दिया, जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इन दोनों पॉइंट को जो कि दोस्तों आपको शॉर्ट कराना है। तो मैं जो कि दोस्तों शॉर्ट करा एक वायर लगा दिया था और उसके बाद जो कि डाटा केबल डाल के वायर को कट कर दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट ले चुका है, और पोर्ट लेने के बाद आपको जो कि दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम पोर्ट 15 यानी 15 में ले चुका है। यहाँ पर जो कि दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट तक वेट करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पूरा फाइल जो कि दोस्तों इसको फ्लैश होने में। तो आपको जो कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद जो कि दोस्तों आपका जो डाटा केबल उसको रिमूव कर लेना है और पावर की प्रेस करके आपको ऑन कर लेना। तो मैं जो कि दोस्तों ऑन कर लिया हूँ, और इसको ऑन होने में भी जो कि दोस्तों लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। मैं जो कि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा इसीलिए जो कि दोस्तों उसको नहीं दिखाए, तो उसमें देखने वाला भी कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ डाटा केबल निकाल के पावर को ऑन कर लेना है, और उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर में जो कि दोस्तों टाइम और आपका जो परसेंटेज है बैटरी का वो भी दिखाना स्टार्ट हो गया। लेकिन उस टाइम जो कि दोस्तों कुछ भी नहीं आ रहा था, और रिसेट के बाद भी जो कि दोस्तों नहीं आ रहा था। इसमें रिसेट करके भी हम देखे थे जो कि दोस्तों रिसेट के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। उसके बाद फ्लैश करने के बाद इसमें जो कि दोस्तों मेरे जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गए। और आपके पास भी इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप जो कि दोस्तों इसका जो फाइल जो हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं दोस्तों, इसके थ्रू आप फ्लैश करके आसानी से इसको जो कि दोस्तों आप रिपेयर कर पाइएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।